रहेंगे और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते अब आइए मेरे दोस्तों, हमारी फेहरिस्त के अंदर एक कवि भी बैठे हैं हमारे दरमियान, श्री अपूर्व विक्रम शाह। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मैं इस शेर के साथ चार पंक्तियां से उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, तालियां, शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते, हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भी तेरी रावण को जला क्यों नहीं देते। जोरदार तालों से इस्तकबाल करें। लेकिन दो मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और अगले दो मिनट के बाद हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाएं, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे क्या तापमान है भाई, तारीख गवाही देगी। मैं दो पंक्तियों पर आपका और अपना दोनों का इम्तिहान ले रहा हूं। ये जो 200-250 साल का संघर्ष है, जिसके बाद हमने 3000 जातियां, 3500 उपजातियां, 27 राज्य, 7 केंद्रीय शासित प्रदेश और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया, ये ऐसे ही नहीं हुआ था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या बात है, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद करना खून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया, खोद करना खून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और आप सोच रहे होंगे कि मुशायरे में हम यहाँ आए हैं तो वसीम भाई ने भी बात शुरू की तो तिरंगे पे ले गए, महबूबाओं की जुल्फों की बात होनी चाहिए, अपने बीते हुए दिनों को हमें याद करना चाहिए, पर मुझे क्षमा कीजिएगा, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, क्या ये कैसे कैसे तजुर्बे हैं भाई आपके, भाई आज पता चला, ये निगाहें हैं कि सीसी कैमरा है, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें, इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशर्फी दमकती, इन्हीं से हिजर की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि सूरज का हमको भरोसा नहीं, हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की सूरज का हमको भरोसा नहीं है, लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है, ना आंखों को झीलों से तस्वीर दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना आंखों को झीलों से तस्वीर दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना होठों को उनके है चंदा कहा, रातों की हाथों को जाम दिया, जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है गुलाब नहीं, उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है शराब नहीं, हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे, राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे, तो जलना सीखिए, मशालों को थामिए, हक बात बुलंद कीजिए और मुल्क की बेहतरी के लिए मुल्क को बदलने का प्रयास करते रहिए। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी मंत्री के खिलाफ नहीं है, किसी वर्दी के खिलाफ नहीं है, ये कलम की लड़ाई है जुल्म के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है षड्यंत्रों के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ, वो हालात
जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं कि उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है, जालिम को यहाँ एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। ये हालातों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हें बदलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं शुरू होना चाहता हूँ। छह पंक्तियाँ अपना परिचय दे रहा हूँ, संभालिएगा। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और ये भारत आई आई एस इकबाल जी, जी जी पढ़े पढ़े अशोक कुमार हमारे विधायक जी उर्फ मुन्ना तशरीफ लाए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माशाल्लाह तमाम हमारे चीफ गेस्ट वगैरह तशरीफ ला चुके हैं, तमाम ही लोगों का कमेटी की तरफ से हम इस्तकबाल करते हैं। माइक पर एक अच्छा कवि इनकलाबी शायर आपके दरमियान है, दिलों को खोल कर सुनो दोस्तों, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस कवि का, माहौल बनाया है। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और ये भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। और मुझे बताइएगा सतमलपुर वालों कि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है, उस खून की हरारत को भी जिंदा रखिए। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा खड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, अरे न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। हाय 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 अच्छा है भाई बाप। मैंने बहुत बचपन में शिवम अंबर साहब को सुन लिया था कि या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे। तो इसलिए आदरणीय विधायक जी और थाना प्रभारी महोदय आप लोग जहाँ हो इस भाषा को इसलिए सुनते रहिएगा क्योंकि अगर ये आवाजें जिंदा रहेंगी तो हिंदुस्तान के इंकलाब की मशालें जिंदा रहेंगी। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं निराशा बांटने नहीं आया हूं। ये सरकारें, ये सियासत, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल 10 साल 15 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, भूलिएगा मत। जब पूरी दुनिया को चिन्ह ज्ञान तो छोड़िए अक्षर ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।
हम और आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि वो क्या बात है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है कि पिछले 900 सालों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आप दुनिया भर के साहित्य पढ़ लीजिए, जिस धर्म ने, जिस सभ्यता ने उन पर हुकूमत किए, साहित्य को उसका रंग दे दिया, उसकी भाषा दे दी। अकेले हिंदुस्तान का साहित्य कहता है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं हम, लेकिन हमारी जवानियां, जवानियों को आज लगता है कि आधी रात को नाइट क्लब में हाथ में बियर की बोतल लेकर ठुमके लगाना जवानी का मतलब है। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है। खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्भनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। लेकिन इस जवानी में कलकत्ते में जो होते हुए देखा है, इसने मणिपुर में जो होते हुए देखा है, आप बच्चों को लाख अहिंसा पढ़ा लीजिए, प्रत्यक्ष क्या है मैं बता रहा हूं। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। क्या बात है, इस बात को रेखांकित कीजिएगा। लाख अहिंसा का पाठ पढ़ाएं आप, पर बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। क्या बात, आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए, अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, और अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। इसलिए डंक मारना भी सीखिए। सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के, अरे परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे। आप सबके बड़े और हमारे भी आदरणीय रजा साहब यहाँ आ गए, उन्हें मैंने देखा तो उनकी कही एक बात मुझे याद आई। आज जब मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने फरमाया कि आज उंगलियां उठा दी जाती हैं कौम पर, और कह दिया जाता है कि ये कौम उस पार चली जाए। बैठ जाइए, बिहार है सब चलते रहता है, बैठ जाइए, बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए भाई। कमेटी के सारे लोग मौजूद हैं यहाँ, मुशायरा सुनने की कोशिश करें। जी, जी, तो उन्होंने कहा कि किसी एक कौम पर आज उंगलियां उठा दी जाती हैं और कहा जाता है उस पार चले जाओ। मेरे बड़े भाई नजमे हसन यहाँ बैठे हैं, हम ये संघर्ष उस समय से कर रहे हैं जब इसका शुरुआती दौर था, आज ये पौधा पनप कर पेड़ हो गया। और कहा जाता है कि उस पार चले जाओ कोई एक कौम हिंदुस्तान से प्यार नहीं करती। तो रजा साहब का कहा हुआ वाक्य है, मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप तो वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, चले जाते हैं, सिर्फ जुबान से बोलते हैं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जो पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, जब नमाज पढ़ने के बाद अपना माथा मादरे वतन की मिट्टी से छुआ देता है तो हर बार वंदे मातरम बोलता है। वाह क्या बात, और मेरी रगों में एक हिंदू माँ का खून बह रहा है। उसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना मैंने इस्लाम को समझा है और कुरान को समझा है, कुरान में लिखा है
अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल हो। क्या बात है। और ये आजादी का इतिहास है, इतिहास के पन्ने पलट के देखिएगा। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया, क्यों चलवाई थी गोली? बोले, पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस मंच का काम है जोड़ना, तोड़ना खादी का काम होगा, मंच का काम है जोड़ना। और मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं, कविता और शायरी कभी भी सियासत का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन शायरी सत्ता के समर्थन में उतर आती है उस दिन या तो सरकार गिरती है या शायरी मरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और मुझे माफ करेंगे लेकिन अगर कोई बैठे हो तो अपने बड़ों तक ये बात पहुंचाइएगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। हमारे देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने। मैं चार पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं और इन चार लाइनों पर भूल जाइएगा आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, भूल जाइएगा आप भाजपा सपा राजद से कोई रिश्ता रखते हैं। सिर्फ भारत माँ के बेटे और भारत माँ की वीरांगनाएं सुने और मुझे बताएं। ये संकल्प लीजिए, आज सतमलपुर की मिट्टी को अपनी मुट्ठियों में उठाकर कसम लीजिए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश। ये भाषा पूर्व विक्रम शाह की है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, चाहे आसाराम हो या राम रही। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 17 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी और हिंदुओं के मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। आदरणीय अभी वसीम भाई ने आजादी की बात की थी, आजादी के संग्राम को आपके समक्ष रखा था। जिस नींव पर भारत की इमारत खड़ी है उसे आपके सामने रखा था, उन्हें भूलिएगा मत। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय रजा साहब, बिलाल भाई, आप जहां पर भी हो, जमशेद भाई, आप लोगों ने ये महफिल सजाई है, भूलिएगा मत जिनके कारण हम ये जश्न मना पा रहे हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। ये अब शुरू हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खोजा बोहरी पठान ब्राह्मण राजपूत जाट कबो, ये आज से 77 साल पहले नहीं था जब गोरी चमड़ी सामने खड़ी थी, आप और हम एक होकर दीवार बने थे। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर और बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। हम वहां से देश को यहां पर लेकर आए और आज भी कह दिया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
मुझे क्षमा करेंगे। भारत छोड़ो का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सिर्फ कागज और कलम से नहीं हुआ था, सिर्फ चरखा कातने से आजादी नहीं मिली थी। अरे गुलाम निराश इतिहास को तब शौर्य की झंकार मिली, तात्या की तलवार के संग जब झांसी की तलवार मिली, वीर कुंवर सिंह और नाना साहब की शमशीर ब्रिटिश पर भारी थी, बहादुर शाह को तख्त नशी करने की तैयारी थी, तभी छुरा धंसा पीठ में और बगावत हार गई, भारत की ही पतवारों से गोरी नैया पार गई। जिस लक्ष्मी बाई का तेवर मराठों को भी प्यारा था, बुंदेलखंड का एक राजवंश रानी का हत्यारा था। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के फर्जी राष्ट्रवादियों को यह सोचना होगा कि जिस राष्ट्रवाद के नाम पर आप तलवारें और झंडे उठा लेते हैं, 1857 में महारानी झांसी का कत्ल जिस खानदान ने किया, उसके चराग को आज आपने केंद्र में मंत्री बनाकर बिठाया हुआ है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, और ये सच बोलने का हौसला दीजिए मुझे कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। वाह। दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और मैंने बहादुर शाह जफर की बात की, जब बहादुर शाह जफर रंगूर में नजर बंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने उन्हें दो पंक्तियां लिखी और सुनाई, कहा कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कील उठाई और दीवानों पर उन दो लाइनों के साथ दो लाइनें और शुमार की और कहा कि आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुनते जाएं, काजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह। ये वतन परस्ती का जुनून और जज्बा है जो आपके समक्ष है, लेकिन लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं, मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं, उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है और कहीं शमशानों में चिता जलाई जाती है, कुछ लोगों की जमीर भी की तो मजहब नीलाम हो गए, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गए। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। हम उस फर्क को मिटाना चाहते हैं, और इसलिए अंतिम पंक्तियां मुझे विदा कीजिएगा। आप लोग जो यहाँ पर आए और अपना कीमती समय इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को दे रहे हैं, वो इन लोगों की मेहनत से, शायरों की मेहनत से और आपकी मेहनत से सफल होता है। एक कसम उठाइए और मुझे विदा कीजिए कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी, वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता, भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, अल्लाह की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान।